बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं प्यारे से ये दो मग बनाने वाली हूँ जो मुझे मेरी एक प्यारी सी कस्टमर ने ऑर्डर दिए थे। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी भी लर्निंग हो और आप भी घर बैठ के आराम से इसको DIY कर सकें और ख़ुद बना सकें। अच्छा जी, पिंक कलर की मैंने क्ले ली है क्योंकि मुझे पिंक कलर के फ्लावर बनानी है। कम्बिनेशन आप यही रखिएगा अगर आपने ये बनाना होगा, मग ट्राई करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना जैसे खिला हुआ मग नहीं होता, खिला सा कम्बिनेशन ये वो बना था और बहुत अच्छा बना था। अगर आपने इसके ऑल्टरनेट भी कोई कलर यूज़ करना होगा तब भी आप ये देख लीजिएगा कि डल लुक ना आए, ज़रा ब्राइट लुक आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कटिंग कर ली है राउंड कटर से। ये स्मॉल बहुत छोटे छोटे राउंड कटर है, इनसे मैंने पेटल्स कट की है। इन ये जो राउंड है इनको मैं पेटल का शेप दूँगी, ठीक है। सेम ऐसे टीयर ड्रॉप, पहले टीयर ड्रॉप करना है, देन इटालियन स्टिक ले लें आप, उसकी मदद से आप इसको फ्लैट करें और फ्लैट करने के बाद हमारी पेटल रेडी हो जाएगी। वहाँ साइड पे मैंने एक बर्ड बना के रखी है ऑलरेडी। इस बर्ड की साइड पे हम अपने पेटल्स को अरेंज करेंगे। दो लेयर्स हमने लगानी है, एक फर्स्ट वाली लेयर पे हम 3 पेटल्स लगाएंगे और सेकंड वाली पे हम 5 लगाएंगे। अच्छा, इन बॉल्स को पकड़ जो राउंड थे बॉल सॉरी राउंड जो थे कटिंग किए हुए थे कटर की मदद से, इनको पहले टीयर ड्रॉप वाली शेप दी है, देन इनको फ्लैट किया। और अगर आपके पास वो वाला टूल नहीं है इटालियन स्टिक, वो जो मैं यूज़ कर रही थी क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो इम्पोर्टेंट है, तो आप ये कटर भी यूज़ कर सकते हैं, कटर की बैकसाइड यूज़ करें, ये तो सभी के पास होगा, ये ईजीली यहाँ से मिल जाता है, ठीक। अच्छा, आपने पैटर्न्स बनाई, पैटर्न्स बनाने के बाद आपने इन पर इंप्रेशन देनी है। ये इंप्रेशन आपके पास मिलेंगे, आपको मुझसे मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है ज्वेलरी सेसी के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके मेरे पेज को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे मज़ीद जो है वो एसेसरीज़ भी हैं और ये जो राउंड में जो कटर पड़े हुए हैं ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा जी, वर्किंग की तरफ चलते हैं। 3 हमने अपनी पेटल्स रेडी कर ली हैं। अब इन तीनों पेटल्स को हमने इस पर बर्ड पर जो है ना वो लगाना है। अच्छा, लगाने से पहले इसका हमने मिड पार्ट जो है ना पहले वो बनाना है, जो बिल्कुल मिड वाला होता है ना, मिड जो एक पेटल राउंड होती है, पहले हमने वो लगानी है, देन हम ये 3 की जो पेटल्स है ना वो अरेंज करेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। इसमें कोई ग्लू श्लू की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी ग्लू ये जो क्ले है ये ऐसी है पॉलीमर क्ले के, अगर आप एक अरेंजमेंट दूसरी के साथ रखेंगे जस्ट थोड़ा सा आपने टैप करना है, लाइट सा आपने प्रेस करना है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगी। फ्लावर की फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से देख लें, कैसे बनाई है, कितने सीक्वेंस पे रखी है, एक पेटल को दूसरे पेटल के हाफ पे रखा हुआ है। अगेन एंड अगेन आप इसी प्रोसेस को ट्राई करें, देन आपका एक परफेक्ट रोज़ बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 5 पेटल्स भी मैंने रेडी कर दिए हैं। अच्छा, इंप्रेशन से इतने अच्छा एक लुक आती है ना, बिल्कुल रियल फ्लावर वाली लुक आती है। तो जब आप फ्लावर बनाएं तो कोशिश करें कि इंप्रेशन का यूज़ ज़रूर करें, उससे एक रियल और नेचुरल और एक अच्छी लुक आती है। अच्छा जी, इधर रोज़ भी हमारा रेडी हो गया है। इसमें भी मैंने सेम यही प्रोसेस किया जो मैंने फर्स्ट लेयर में किया था, एक पेटल को दूसरे के हाफ पे रख के लगाई है। अगर आपके का जो बिड वाला बर्ड है वो बड़ा होगा तो आपकी 5 की बजाय 6 या 7 पेटल्स भी लग सकती हैं। अब पेटल्स अरेंज करने के बाद आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, इनको लाइट सा बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने फोल्ड करना है। और फोल्डिंग आप अरेंज करने से पहले भी कर सकती हैं कि पहले आप फोल्ड करें और फिर पेटल्स लगाएं, जैसे भी ईजी लगता है ना आपको। अच्छा, नीचे से एक्सेस क्ले रिमूव करें, उसको कट करें। कटिंग करने के बाद इसको फॉर्म पे रखें, जैसे ये आपको मेरा फॉर्म नज़र आ रहा है ना, ये फ्लावर पैड होता है, फ्लावर फॉर्म होता है, फ्लावर के लिए होता है स्पेशली, जिसमें फ्लावर बड़े अच्छे से टिक जाते हैं। इसमें मैंने 5 वाले और 3 वाले दोनों ही मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी, तो ये मैंने आपको करके दिखाना था, एक तो आपको सिखाना था कि ये वाला एक ऐसे बनेगा। अच्छा, रोज़ बनाने के बाद आपने जो 4 पेटल्स फ्लावर है जो रोज़ के साथ साथ मैंने छोटे छोटे फ्लावर बनाई हैं, नेक्स्ट उसकी बारी आएगी। छोटा सा आपने बोल लेना, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इसकी पेटल बनानी है, 4 में इसको डिवाइड करना है। ये देखिए, कटर की वजह से मैंने इसको कट किया और 1 by 1 करके पहले इसके एजेस को स्मूथ करना है, क्योंकि इसकी वो ना कॉर्नर्स निकले हुए हैं, इनको स्मूथ करें। स्मूथ करने के बाद आपने, अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं है रबर टूल, तो आप फिंगर यूज़ कर लें, फिंगर का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये कि वो मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा फ्लावर है,
इसलिए आपको रबर टूल लेना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इस प्रोसेस के बाद आपने क्या करना है, बॉल टूल लें। मेरे पास ये स्टिक है, मैं इसलिए स्टिक की बैक साइड यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है, आप बॉल टूल से थोड़ा सा आपने इसको गहरा करना है, थोड़ा इसे इसके पेटल्स को ना डीप करना है। डीप करने के बाद मिड में थोड़ा सा आपने इसको शेप देनी है, और शेप देने के बाद मिड में जो हमने एक हॉल बनाया, उस हॉल में हमने डार्क येलो कलर का, ठीक, डार्क येलो कलर का छोटा सा डॉट डालना है। सेम कलर नहीं होना चाहिए, कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप बाहर आप डार्क रख रही हैं तो अंदर वाला लाइट होना चाहिए। अच्छा जी, ये भी आपने काफ़ी ज़्यादा बना के ऑलमोस्ट रख लेनी है। ऑलमोस्ट आपकी कितने होने चाहिए, तकरीबन 25 टू 30, ठीक है। देन ग्रीन क्ले ले, ग्रीन क्ले से आपने अपने लीफ बनानी है। लीफ को आपने, अगर आपके पास कोई मोल्ड वगैरह है तो आप मोल्ड यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप खुद इजीली भी लीफ कंप्रेशन दे सकती हैं। इसमें जस्ट हमने जो लाइन्स ही लगानी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गहरी लाइनें नहीं लगानी। उससे क्या होगा कि जब आपका ये पेटल बेक होगा, बेक होने के बाद ये इसके टूटने का खतरा होगा। इस वजह से आपने लाइट लाइट सी लगानी है, और शेडिंग देनी है रेड कलर के आई शेडो है तो वो दे दें, अदरवाइज़ अगर आपके पास पेस्टल कलर पड़े हुए हैं, ड्राई पेस्टल, तो आप वो यूज़ कर लें। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं। और ये ब्लूबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ मैंने पहले तकरीबन लास्ट वीक मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, तो ब्लूबेरीज़ तो आप उधर वीडियो पे जाके देखें कि ब्लूबेरीज़ कैसे बनाई है। ये मेरे पास मग है, वाइट कलर के चौड़े हैं, काफ़ी वाइड हैं, और लेंथ भी इनकी नॉर्मल है। और इस पे बेस कलर जो है ना, हमने इसका ब्लू रखना है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर होता है ना वो, पहले मैंने मैयर कर लेना है। और इसी इस क्ले को पहले आपने कंडीशनिंग करनी है, कंडीशनिंग के बाद इंप्रेशन देना है। इंप्रेशन नहीं है तो आप सैंडिंग पेपर यूज़ कर लें। अगर आपके पास इस ये वाला इंप्रेशन नहीं है, ये शीट नहीं है, देन आप सैंडिंग पेपर यूज़ करें, और सैंडिंग पेपर यूज़ करने से भी एक अच्छा सा इंप्रेशन आ जाएगा। प्लेन मत रखिएगा, प्लेन से ना बिल्कुल डल सी एक लुक आती है, तो इंप्रेशन देने से ये हो जाता है कि ज़रा एक अच्छी लुक आ जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको सिर्फ एक ही मग रेडी करके दिखाऊंगी, क्योंकि दूसरा मैंने सेम करना है, तो वो मैं साथ रेडी करती जा रही हूँ। ये बेस है नीचे, जो मैंने ब्राउन कलर की लगाई है, आप चाहे तो सेम ब्लू कलर की भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि ये बिल्कुल छुप जानी है, तो इस वजह से मैंने ये नज़र ही नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा क्ले पड़ी हुई थी, ये मैंने वो यूज़ की है। अरेंजमेंट आप चेक कर लें, आपने ऐसे ही अरेंज करनी है कि सबसे पहले आपका जो लीफ है ना, सबसे पहले आपका लीफ आएगा, एक लीफ लगानी है। लीफ लगाने के बाद आपने अपने फ्लावर्स अरेंज करने हैं सीक्वेंस के साथ। मिड में आप बड़ा लगा रही, तो साइड पे ना सीक्वेंस वाइज छोटे 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 और छोटे होते जाएंगी। फिर इन फ्लावर्स की साइड्स पे जो जो सी आपको स्पेस नज़र आएगी, वहाँ पे आपने जो येलो कलर के जो फोर पेटल्स फ्लावर बनाए थे, आपने वो अरेंज करनी है। वो लगाने के बाद फिर आपने दूसरी तरफ भी अपने लीफ लगाने, जो दूसरी साइड है वहाँ पे लगाने, और फिर जो सी आपको स्पेस नज़र आएगी, तो वहाँ अपने जो बेरीज हैं उनको जो है वो यहाँ पर ना पुट कर देना। जस्ट आपने क्ले के साथ लगा के और टैप करना है। अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं है, तो आप टैपिंग के लिए टूथपिक यूज़ कर सकती हैं। हाथ मत यूज़ कीजिएगा, हाथ के ऑल्टरनेट आपने रबर टूल लेना है। रबर टूल बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर इसकी वर्किंग नहीं होगी। तो रबर टूल हो गया, टूथपिक होगी, और शाश्लिक स्टिक होगी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अरेंजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकती हैं। आप चाहे तो बिल्कुल पूरे राउंड पे फ्लावर्स लगा सकती हैं, लेकिन जब अगर आपने पूरा राउंड भरना है, देन आपके फ्लावर थोड़े छोटे होने चाहिए, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा अच्छी लुक आती है। जो ये वाली अरेंजमेंट ना, इस वाली अरेंजमेंट से ज़्यादा अच्छी लुक आती है, बजाय इसकी कि आप पूरे साइडों पर भरते हैं। साइड्स वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन तब जब आपने छोटे छोटे फ्लावर लगाए हों, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर ना, वो फिर ठीक नहीं लगेंगे। ये देखिए, ये येलो थे जो मैंने फोर पेटल फ्लावर बनाए थे, इनके जो एंड्स हैं उनको मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे एक्सेस लग रहे थे कि वो ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो इनकी टिप्स थी ना, एंड में जो टिप थी, उनको मैंने कट किया, कट करके फिर मैंने लगाया।
और ऐसा नहीं है कि इनके लिए जगह नहीं बचेगी या इनको लगा रही हूँ तो बैरीज के लिए जगह नहीं बचेगी, नहीं, सबके लिए जगह बचेगी। आपने एकदम सारी चीज़ें ना लगा देनी, थोड़ी 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 करके अरेंज करनी है। तो बैरीज के लिए, येलो के लिए, इन सब के लिए जगह आराम से बच जाएगी। ये देखिए बैरीज के लिए देखिए आराम से स्पेस मिल गई है। और अच्छा एक चीज़, मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ, जब भी आपने ये मग बेक करना हो, पॉलीमर का कोई भी मग या पॉलीमर की कोई चीज़ आपने बेक करनी है, एक एक ना कोई भी अरेंजमेंट आपने एक्स्ट्रा लाजमी रखनी है, ठीक है। लाजमी एक येलो फ्लावर ही आप चाहे एक या दो एक्स्ट्रा रखें, या आप लीफ एक्स्ट्रा रखें या फ्लावर एक्स्ट्रा, लेकिन वो इस पर नहीं करना, आपने जस्ट मग की साइड पे कहीं लगाना है, ठीक है। इस अरेंजमेंट के साथ नहीं करना, वो इसलिए कि जब आपका आप मग को बेक करेंगी तो बेकिंग के बाद जब आपने चेक करना है ना कि क्या ये ठीक से बेक हुआ है कि नहीं हुआ, देन आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने उस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को छेड़ना है। अगर जो फ्लेक्सिबल हो गया देन इट मीन्स कि आपकी बेकिंग अच्छी हुई है, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई और वो टूट गई है, ब्रेक हो गई, देन आपने अगेन इसको बेक करना है। और इस मग ने ऑलमोस्ट 1 आवर लिया था बेकिंग में पूरा। अच्छा जी, अरेंजमेंट के बाद आपने वॉल्टू लेना है, स्मॉल वाला जो बिल्कुल छोटे साइज़ का होगा ना, अरेंजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। छोटे साइज़ का वॉल्टू लेके आपने इसके एजेस पे ना यहाँ बिल्कुल छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा ना आपने टैप कर देना, उससे ज़रा एक अच्छे से ना वो आपका एक बॉर्डर रेडी हो जाएगा। और ये जो बोर्ड है ना, ये ब्लू वाला बोर्ड, ये एक अच्छी लुक देगा। इसके बाद आपने क्या करना, वैसे तो यहाँ पे ये रेडी है लेकिन मैंने इसके साइड्स पे डार्क कलर की क्ले ली थी, क्ले एक्सट्रूडर से उसको मैंने स्ट्रिप निकाली थी एंड देन इसको मैंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके मैंने साइड्स पे अरेंज कर दी थी। अच्छा जी, आपने 120 टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए इसको बेक करना है। इसने ऑलमोस्ट 1 घंटा लिया था, पूरा घंटा लिया था। अब बेकिंग के बाद की ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आफ्टर बेकिंग की है ये। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसके साथ मैंने येलो फ्लावर रखा हुआ था तो उसको मैंने चेकिंग के लिए किया था और वो फ्लेक्सिबल था बिल्कुल ठीक, उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अच्छा, ये जो मैंने साइड पे ब्लू कलर का एक बॉर्डर दिया है और ट्विस्ट की जो ब्लू स्ट्रिप है, तो इनको मैंने ट्विस्ट किया, ये मैं आपको फिर किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अब वीडियो मेरी काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में या जब मैंने जो क्ले एक्सट्रूडर की एक वीडियो बनानी है ये मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये कटर की मदद से मैंने ईजीली इसको इलैदा किया। ये पार्ट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी। और बहुत से लोग ऐसे थे, मैंने जब ये वाली वीडियो अपनी लगाई थी ना पेस्टिंग वाली, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था, काफ़ी क्राफ्टर्स ने कहा था कि हमें इस प्रोसेस का पता ही नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बगैर तो मग कम्प्लीट होता ही नहीं है, मैजिक है ये। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता दूँ, या मेरे चैनल पे जाएं, पेस्टिंग वाली वीडियो है, उसमें मैंने क्लियरली इसके ऊपर रिव्यू दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कितना टाइम देना है और कितनी क्वांटिटी में डालना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और ये कब ड्राई होगा, सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया हुआ है। आपने ये पेस्टिंग वाला प्रोसेस करना है, मिक्स करना है मिक्स करके, और इसको उसी जगह पर पेस्ट करना है जिस जगह पर आपने यहाँ पर अरेंजमेंट की थी, ऊपर नीचे ना हो। और इसको ऑलमोस्ट 4-5 मिनट के लिए पकड़ लिया, 5 मिनट के लिए ज़रा होल्ड कर ले, जब ये थोड़ी स्टिक हो जाए तो ये रेडी है। वैसे तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास ये डॉक्टर टेप इसको कहते हैं, या इसको ना एक और मेरे जहन में अपना नाम नहीं आ रहा है, जो भी था इस टेप का नाम, तो अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उससे मैंने इसको ज़रा अच्छी तरह से रैप कर दिया था ताकि जो अरेंजमेंट है ना वो ज़रा टिकी रहे। ये देखिए, ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, ये येलो फ्लावर की जो आपको कहती थी ना रिकॉर्ड नहीं, ये देखिए मैंने ये साइड पे एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो ये आप चेक कर लें, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख लें। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी आपने वीडियो से रिलेटेड या आप किसी भी नई चीज़ के मुतालिक जानना चाह रही हैं या कोई वीडियो चाह रही हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।